देश के तिरंगे को हाथ में पकड़े, नए भारत की संरचना को अपने मन में सजोए, एक साधारण परिवार में जन्मे। इंडिया गठबंधन के कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी भाई सुशील गुप्ता जी और मैं मंडी वाले पुंडरी के मेरे सारे साथियों को एक विशेष बात और कहना चाहता हूं। जैसे साहिल की दुकान है, आगे दरिया सिंह जी की दुकान है, आगे एक और साथी की, आगे एक और साथी की। सुशील गुप्ता जी अपने पड़ोस जुलाना के तो रहने वाले और इसी प्रकार के साधारण व्यक्ति अपने में से एक, तो हम में से ही एक व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने अपना गठबंधन का उम्मीदवार बनाया है। वो आपके बीच में है। पुंडरी की इस पवित्र धरती पर मैं हम सब की ओर से गुप्ता जी आपका बहुत स्वागत करता हूं। मेरे छोटे भाई जो एक जाबाज सिपाही की तरह लड़ते हैं कांग्रेस पार्टी की लड़ाई, पुंडरी की लड़ाई, भाई सतवीर भाणा जी आज के इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे, छोटे भाई साहिल जी, ज्ञानचंद जी, रामपाल जी, रघुवीर जी, परवीन गर्ग जी, बलदेव जी, सत्यनारायण जी, जयप्रकाश जून जी जो हमारे प्रधान हैं अनाज मंडी के, कृष्ण ढोल जी जो पाई अनाज मंडी के प्रधान हैं, प्रेम धीवान जी, राजेश गोयल जी, सुरेंद्र बरसाना जी, प्रहलाद शर्मा जी, भानु जिंदल जी, मेरे भाई रामनिवास मित्तल जी, रामचंद्र गुजर जी, सोनिया शर्मा जी, सुरेंद्र मित्तल जी, भाग सिंह जी, रघुवीर सैनी जी, दयाल गर्ग जी, अशोक गोयल जी, विजय कंसल जी, मेरे छोटे भाई करोड़ा जी, मंच पर बहुत सारे साथी बैठे हैं, एक एक का नाम लूंगा बहुत देर लग जाएगी इसलिए भूल चूक माफ। आदरणीय मेरे बुजुर्गों, मंडी के व्यापारी भाइयों, मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार भर भर, आज तीनों अपनी जो अनाज मंडी है, पहले कैथल अनाज मंडी, फिर गोलाची का अनाज मंडी और उसके बाद पुंडरी, तीनों अनाज मंडी में व्यापारी भाइयों से, मेरे बुजुर्गों से, काका ताऊओं से, भाइयों से, साथियों से आज हमने फैसला किया था, आज का दिन मंडी के व्यापारियों के नाम रखा हुआ, इसलिए कि अपनी इन तीनों मंडियों से, इन तीनों हलकों में जो बात उठती है वो हर गांव, शहर के हर कोने, हर मोहल्ले, हर जाति के अंदर पहुंच जाता है। अपनी मंडी के जो साथी, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं हाथ जोड़कर, मंडी का दुकानदार, मंडी का व्यापारी, मंडी का आड़ती, वो एक तरह से इलाके का ब्रांड एम्बेसडर होता है। ये सारे साथी हमारे, ये सारे मेरे बुजुर्ग गुप्ता जी गांव से आके यहां एक छोटा छोटा व्यवसाय, अपना दुकान करके गांव के ही जो किसान हैं उनकी आड़त के सहारे अपना परिवार चलाता है। यहां कोई करोड़ोंपति आदमी नहीं है, ना कोई धन्ना से, जिस प्रकार से कोई दो किले तीन किले वाला किसान अपना पेट पालता है, जिस प्रकार से कोई किरियाने की दुकान चलाने वाला व्यापारी अपना पेट पार का जो हमारा एक ताना ताना बाना बुन रखा है, जिसके अंदर गरीब मजदूर भी है, जिसके अंदर मुनीम भी है, जिसके अंदर पल्लेदार भी है, जिसके अंदर किसान भी है और जिसके अंदर मंडी का आड़ती भी है, ये मिल के हमारा ताना बाना जो बना हुआ है, हमारा मंडी का दुकानदार आड़ती उसका हिस्सा है। पर मैं मंडी के सारे आड़ती भाइयों को एक बात कहना चाहूंगा, एक ऐसी सरकार हरियाणा में सत्ता में जिसने आपकी आड़त पर और आपके धंधे पर दोनों पर हमला बोल रखा है। ये जरूरी नहीं कि मंडी में केवल अग्रवाल समाज के साथी ही ना, अपने यहां तो रोड समाज की बहुत दुकानें हैं, अपने यहां तो ब्राह्मण समाज के साथियों की बहुत सारी दुकानें हैं, जाट समाज के साथियों की बहुत सारी हो और बिरादरियों की, पर यह पहली सरकार है
जिसने मंडी के आढ़तियों की आजीविका और रोटी पर हमला बोल रखा। आप कहेंगे कैसे? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ने कानून बढ़ाया था 2.5% आपकी आढ़त। पहली बार हरियाणा में एक ऐसी सरकार आई जिसने आपकी आढ़त चोरी कर ली। आढ़त चोर सरकार है। और मैं आज हिसाब लेकर आया, मैं दोनों अनाज मंडियों के और साथियों को भी बताया, 2023-24 ये जो साल उतर गया आपका, अपने आप टीआर जीरी ज्यादा आती है। मैं बासमती या मुच्छल की बात ही नहीं कर रहा, या साथी पीआर जीरी का भाव एमएसपी था 2203 रुपये, सही है जी? 2203 पे 2.5% आढ़त बढ़ती है 55 रुपये 10 पैसे भाव जी, सही गलत तो नहीं कहा? आपको मिली कितनी? 45 रुपये 88 पैसे, सही है जी गलत? अगर ज्यादा मिली हो तो बता दो। मिलनी चाहिए आपको 55 रुपये 10 पैसे, मिली आपको 45 रुपये 88 पैसे, यानी 9 रुपये 10 पैसे कम भी ले लिया, सही है? अपने आप कितनी पीआरजीडी का उठान हुआ बता सकते हैं अंदाजा? प्रधान जी भी बैठे हैं, क्यों साहिल भाई आपको पता हो लगभग कितने क्विंटल? 8-1 लाख। 8 लाख क्विंटल अगर पीआरजीडी गई और 9 रुपये से मैं गुणा कर दूं तो लगभग 75 लाख रुपए की आढ़त आपकी खा गई। गलत तो नहीं कहा? 8-9 72 10 से और गुणा करो, 75 लाख के करे क्यों रामनिवास? लगभग 75 लाख की आढ़त ये सरकार खा गई एक सीजन में। इसी प्रकार से जो कणक थी, अब की बार तो भाव बढ़ गया एमएसपी का, पिछली बार अपने यहां भाव था 2125 रुपये, उसका 2.5% मनता 53 रुपये 62 पैसे, आपको मिली 46 रुपये, सही है गलत? ये कहते हम तो 46 दे होंगे। हाँ एफसीआई तो 23 दी थी, चलो मैं कहा एफसीआई वाली भी छोड़ दो, हरियाणा सरकार वाली भी मान लो वो भी 46 थी, तो यानी 7 रुपये और 12 पैसे उसमें खा गए। और अपनी कणक कितनी उठी जी? 10-1 लाख 13 लाख क्विंटल, 13 को 7 से जरब करियो तो 95-1 लाख रुपए उसके खा गए। तो 95 लाख और पिछले कितनी थी? 75। कितने बने साहब? 170 लाख रुपए। तो ये आपकी आंख देखते आपकी आदत से खा गया। मेरी बात गलत है तो बता दी। और पूरे हरियाणा का देखिए, पीआर जीरी हरियाणा में बिकी 2023-24 में 65 लाख टन, यानी 6,50,000 क्विंटल, जरब 9 रुपये 40 पैसे, 61 करोड़ बन पड़े। ऐसे ही कणक बिकी अपने हरियाणा में 20 लाख क्विंटल ना 63 लाख टन, यानी 6,30,000 क्विंटल, 6,30,000 क्विंटल में 7 रुपये 12 पैसे की आदत खाई सारी मंडियों की। तो ये तो नहीं पुंडरी की खाई, सारियों की खाई, व्यापारियों की, वो बने साहब 44 करोड़ 85 लाख। तो केवल जीरी और कणक के 106 करोड़ खा गए आड़त। सिरसों, कपास, जौ, बाजरा, दूसरी मसूर की दाल, दूसरी दालें जो पैदा होती हैं हरियाणा के दूसरे हिस्से में, 50-1 करोड़ उसकी आड़त भी हो गई। तो लगभग 160 करोड़ रुपए की आड़त एक साल के अंदर खा गए। 2-3 साल से चक्कर चल रहा है, 3 साल से 160 जरब 3 कितने हुए? 480 करोड़ रुपए की तो आपकी आड़त खा गए 3 साल में ऐसी सरकार। बताओ जी मेरा हिसाब गलत हो तो 16 दुनिया 8 वाला नहीं है साहब, सही हिसाब करके बताया, बिल्कुल सही हिसाब करके आपको 480 करोड़ को आपकी आड़त की खा गई है सरकार। कुंडरी में ये समस्या नहीं है, पर एक अपने यहां नई समस्या आने लग रही है और उसका खतरा आप पे मंडरा रहा है। आज का अखबार, आपको तो अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि आप भुगत भोगी। हमारे जो धान वाले भाई हैं रामचंद्र जी और दूसरे साथी आए हुए, उन्होंने
कल अडानी के साइलों पे ताड़ा लगाना पड़ा क्योंकि डांड मंडी के अंदर बारदाना ही नहीं है। आप भी जाते हो, कोई डांड दूर नहीं है अपने से, अपना परिवार का हिस्सा है। आप मुझे एक बात बताइए, वहां बारदाना नहीं आया, पिछले साल भी उस मंडी पे ताड़ा लगा दिया था। एक रुपया किसी आड़ती ने कमाया हो, किसी मुनीम ने कमाया हो, किसी कारिंदे ने कमाया हो, किसी पल्लेदार ने कमाया हो, किसी मजदूर ने कमाया हो, किसी गरीब ने कमाया हो, बताइए। हाँ, किसान जरूर अडानी के साइलों के आगे ट्रालियां लगा के पड़े रहे। अब उन्होंने उस पर ताड़ा लगा। अगली बार अगला नंबर किसका? कुंडरी का। बारदाना अपने यहां भी कम कर रहे, इसलिए कि वो चाहते हैं सारे गांव जितने हो सके अडानी के साइलों में कणक और जूरी डाल के। मैं तो बता दिया जी, एक काम और करने लग रहे हैं। नौलथा के अंदर अपने गवांड में, बहुत दूर नहीं है अपने से, 200 एकड़ में 150 एकड़ में अडानी के साइलों बनवा दिए 150 किलो में। एक ही साइलों नहीं छड़ करे अपन तो, जे 150 किलो में साइलो लगे गुप्ता जी हमारा उधर संबंध है। उसके बाद कुंडरी, नीसम, असन, करनाल, पानी, ये सारी मंडियां बंद हो जाएंगी जिस दिन वो चालू हो जाएगी। शायद इस एक सीजन और चलेंगी जब तक विधानसभा का चुनाव नहीं होता, विधानसभा के चुनाव के बाद मंडियां नहीं चलेंगी। मैं आपसे पूछता हूं, आपका एक भाई साथी गवांडी, 10.5 लाख लोग हरियाणा की मंडियों में काम करते हैं, 10.5 लाख लोग, आप ही अकेला साहिल को या प्रोफेसर दरिया सिंह जी को इनको मत देखो, या रामचंद्र गुर्जर को इनको मत देखो, हर दुकान पे 2 से 5 कारिंदे काम करते हैं, मुनीम काम करता है, कोई तोलने वाला उससे जुड़ा हुआ है, कोई जारने वाला जुड़ा हुआ है, कोई पल्लेदार यूनियन जुड़ी हुई है, कोई सफाई वाला जुड़ा हुआ है, कोई चौकीदारे वाला जुड़ा हुआ है, कोई ट्रैक्टर यूनियन वाला जुड़ा हुआ है, कोई ट्रांसपोर्ट यूनियन वाला जुड़ा हुआ है। ये तो मैं सारे लगाए भी, 10.5 लाख परिवारों को जब आप बेरोजगार कर दोगे, क्योंकि मोदी ने एक बार काम और कर दिया, इस बजट में मैंने बात उठाई भी, 1 लाख करोड़ सरकार के बजट से बाबूजी रखती है। हमने कहा क्या करोगे? बोले बड़ी बड़ी कंपनियों को ये पैसा दूंगा, यानी हमारा पैसा उनसे साइलो लगवाएगा। जब 1 लाख करोड़ के साइलो और लग गए, फिर पंजाब हरियाणा में कोई नहीं कणक खरीदने वाला या जीरी, फिर तो जमींदार को वहीं जाके बेच के आनी पड़ेगी, सारा कोई धंधा नहीं, ना आपकी जरूरत रहेगी, और जमींदार से ठगी अलग होगी। कहीं जमींदार खुश हो रहे यार की निकल जाएंगे तारा काम हो जाएगा, ना। आज जो अडानी खरीदता है, कल अगर एक ही बंदा खरीदने वाला होगा तो अपने मर्जी का रेट देगा, वो 2125 क्यों देगा मुझे? वो कहेगा बाबू जी, सरदार जी, रणदीप सिंह चौधरी साहब, अगर तेरे 2000 में देने दे जा, नहीं देने अपने जा। रामपाल जी बरसाना जी, देना 2000 में दे, नहीं तो जा। रामपाल उसे उठा के दिल्ली तो ले जा नहीं सकता, क्यों साहब? कहां लेके जाओगे? आखिर में कहेगा अगर दिल्ली ले गए तो भी 150-200 रुपए का खर्चा, 125 का टोटा खा के यही बेच ले। आखिर में हम साइलो वालों के गुलाम बन जाएंगे। ये षड्यंत्र दिल्ली की सरकार और हरियाणा की भाजपा सरकार कर रही है। 480 करोड़ जो आपके खा गए वो मैंने आपको बताया। अपनी मंडी में एक समस्या कम है, पर बाकी सारी मंडियों में लाइसेंस ही रिन्यू नहीं करते। मुझे नहीं पता अपनी में कितनी है, पर बाकी सारी मंडियों में 2012 में मैंने कानून बदल दिया था और एक दुकान पे एक से ज्यादा लाइसेंस रख सकते, यह कानून बढ़ा दिया, क्योंकि कोई मेरे चौबारे पे है, मैं तो खुद आड़े की दुकान भी, इसलिए मुझे मालूम है। कोई अंदर बैठा है, कोई छोटी कोठरी के अंदर एक लाइसेंस ले लिया, तो एक एक दुकान में 5-5, 7-7 लाइसेंस है। यह रिन्यू नहीं करते हमारा, हम 60 रुपए लेते थे रिन्यूअल के, 600 रुपए लेते, फिर भी कोई इनको कहता। तो मंडी के मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, पल्लेदार भाइयों, मुनीम भाइयों, जितने मंडी में सफाई कर्मचारी हैं, जारने वाले हैं, तोलने वाले हैं, व्यापारी भाई हैं, मैं आपको एक बात कहता हूं, दिल्ली की सरकार और हरियाणा की बीजेपी सरकार, उसने
आपकी रोजी रोटी रोजगार और पीढ़ी दर पीढ़ी के काम पे हमला बोल रखा है। अगर इनको दोबारा बना दिया, ये आपकी मंडियों पे ताड़ा लगा देंगे। ना मजदूर के पास काम रहेगा, ना किसान के पास काम रहेगा, ना मंडी के पास काम रहेगा। कहां व्यापारी जाएंगे, कहां आपकी अगली पीढ़ी जाएंगी, कहां किसान जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम देश की और प्रदेश की दोनों सरकारों को बदल सकें, और वो रास्ता सुशील गुप्ता है, ये मेरे भाई जो बैठे इनके अंदर से वो रास्ता जाता है। एक एक वोट मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, सुशील गुप्ता जी को देकर और हमें मौका दीजिए कि हम पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनाएं और पूरा देश और उसके बाद हरियाणा प्रदेश दोनों में आपको बदलाव करके दिखाएं। आप बहुत देर से बैठे हैं, मुझे पता है शाम को आरती कम बैठता, दोपहर के बाद आजकल कोई ऐसी दबी भी नहीं है, तो फिर भी आप प्रेम में बैठे हैं। मैं हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद करता हूं, सबको राम राम। और गुप्ता जी से दरख्वास्त करता हूं कि वो सीधे आए।